सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, अभी जो है मॉर्निंग का समय और जस्ट मैं अभी छत पर ही आया हूँ, अपने जाल का काम करने के लिए आया था। बट अभी जो है भाई, एक सीन देख लिया मैंने, और मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अपने बच्चे का जो है दाना पलटा कराया था, और सोचा तो भाई सही हो जाएगा क्योंकि दाना बहुत ज़्यादा लगा रखा था, बदबू आ रही थी। तो दाना तो मैंने पलटा करा दी थी, बट बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा था, बहुत ज़्यादा। पहले तो भाई चल भी रहा था, कल तो चल भी नहीं रहा था। तो मैंने कल चेक किया था तो दाना लगा रखा था उसने, बट मैंने कल दाना वाना पलटा करा दिया था, कल तक तो सही था। बट रात रात में भाई अब वो नहीं रहा है, छोड़कर चला गया मैं फिर दोबारा एक और कबूतर आज। तो आखिरी बेबी था गाइस, ठीक है, मतलब जो पिछली बार बेबी निकले थे, 6-7 बेबी निकले थे, 5 या 6 बेबी निकले थे, उसमें से भाई एक बेबी अभी तक बचा था, और अब वो भी नहीं रहा भाई। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। अभी मैं जस्ट आया ही था छत पर, तो मैं सबसे पहले नज़र मैंने सोचा कि चेक करते हैं बच्चा कैसा है, और आया तो मैं ये लकवा कबूतर है ना, इसको खुजा रहा था बेचारे को। ये गेट पे ही देखो, ये पड़ा हुआ देख रहे हो यार, एक और बेबी छोड़ के गया यार, लग रहा है रात में ही ख़त्म हो गया। आखिरी बेबी था गाइस, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार, पता नहीं क्यों यार एक भी बेबी नहीं बचता, एक भी अभी तक का रिकॉर्ड है गाइस। या फिर भागते हैं या फिर मरते हैं, भागना मेरे को बहुत बेस्ट लगता है इनके लिए, मरना नहीं चाहिए यार। क्या करें गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आखिरी बेबी था, आपको ही पता है गाइस, अभी तक भाई अभी तक का लास्ट बेबी बचा हुआ था ये, और वो भी नहीं रहा। मैंने पूरी कोशिश करी भाई, आप मानोगे नहीं, पूरी कोशिश करी है मैंने इसको बचाने की। मैं दवाई लेके आ रहा था, इसको चने हाथ से खुद खिला रहा था, चने खिलाता था मैं, पता नहीं क्यों यार इसने खुद ही दाना खाना छोड़ दिया धीरे धीरे। एक होता है कि जीने की उम्मीद होती है, बट इसके अंदर लगता ही नहीं था मुझे कि जीने की उम्मीद है इसके अंदर बिल्कुल भी, और वो भी भाई अब नहीं रहा। ठीक है, क्या ही बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं। अब देख लो यार, यही है आपके सामने बेचारा। छोड़ो यार, कोई नहीं, इसको अभी मैं रख के आता हूँ कहीं। बाकी तुम अपना काम स्टार्ट करने के लिए आया था छत पर, तो अपना काम ये देखो भाई, ये रहा अपना काम स्टार्ट करने जा रहा था मैं, गेट वेट बनाने जा रहा था, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैंने कुछ इतना काम किया था, पल्ला बनाना बाकी था। तो अभी नट खरीद के लाया था मैं, नट कम पड़ रहे थे, फिर मैं छत पर आ गया सीधा ही, सोचा कि आज ख़त्म करेंगे काम, बट देखो भाई आज सीन ही कुछ अलग हो गया, देख लो। ठीक है, तो आज जो है भाई चलो अपना काम करते हैं, अब जो होना था उसको तो हम रोक नहीं सकते भाई। ठीक है, क्योंकि भाई जो भगवान चाहेंगे वही होगा, बिना भगवान के कुछ नहीं होता, बट बचने वाले बचे जाते हैं यार, बट पता नहीं क्यों मेरे यहाँ नहीं बचते, सबसे बड़ी बात। देख लो यार, इसकी आँखें वाँखें भी धस गई पूरी इतनी देर में ही, गर्दन पूरी ढीली अकड़ गया बेचारा। चलो यार अपना काम करते हैं, हम इसको मैं दफन करके आता हूँ कहीं। ठीक है, सो गाइस मैं ना सुबह से लगा पड़ा हूँ छोटे मोटे काम करने में, तो ये जो है भाई एंगल काटा है मैंने अभी जस्ट एक, ठीक है, ये पत्ती सी बनाई है मैंने, जिससे कि भाई यहाँ पे ना लग रहा था, मतलब यहाँ कोई गलती से खड़ा होता है ना तो उसके लग जाती है हाथ वाथ में, तो काट के मैंने हटा दिया, पता नहीं कहाँ गया ये रहा, ये रहा भाई, काट के निकाला है मैंने यहाँ से। और भाई पता है क्या सीन हुआ, वो जो फास्टनर लेके आया था ना वो काम नहीं कर रहा भाई, ये देखो भाई ये पेच लगा लगा के मैंने टाइट किया, देखो ये पेच लगाया मैंने यहाँ पे, होप करता हूँ दिख रहा होगा, तो गाइस वही पेच लगाए हैं, और जो गाइस नीचे नहीं लगाया, यहाँ पे मैं फास्टनर लगा रहा था बट लगा ही नहीं, वो पता छेद ना बहुत पतले हैं, और हैमर लेके आया, हैमर ना चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है हैमर में। बट भाई एक नीचे यहाँ पे पेच लगा दिया, ये रहा भाई देखो उस वाले कोने में, यहाँ पे भी नहीं लगा पेच, क्योंकि पेच जहाँ छोटे पड़ रहे थे, एक यहाँ पे पेच बड़ा था मेरे पास तो वो मैंने लगा दिया, बट भाई एक ही पेच लगाया मैंने और एक यहाँ पे पत्ती लगाई, और जाल जो है ना बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल भी, चाहे कितना भी हिला लो अपनी जगह से, हल्का सा भी नहीं हिल रहा है। तो भाई ये हवा से तोड़ने का काम ख़त्म हुआ, वो फास्टनर वाला तो फालतू में किया मैंने, ठीक है, ये रहा अपना फास्टनर, देखो ख़राब हो गया एक फास्टनर पूरा, 20 रुपये बर्बाद हो गए भाई, ये लगा दिया मैंने फिर निकल नहीं रहा था, फंस गया, आधा ही गया था इतना, फिर निकालने के चक्कर में ख़राब हो गया, कोई नहीं, 3 बचे हैं, वो वापसी कर आऊँगा मैं। बाकी ये एंगल लगा दिया मैंने यहाँ पे, जिससे कि भाई अभी ये बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया, हिल नहीं रहा है। तो अभी छोटे मोटे काम ही कर रहा था मैंने, सुबह से जाल उतारा, फिर ऊपर से एक थोड़ा बहुत काम था, ये भी अभी भी अटक रहा था यहाँ पे, तो इसको हल्का सा और काटा मैंने, तभी कहूँ भाई जाल सेट क्यों नहीं रहा था। बट देखो भाई जाल ना थोड़ा तिरछा बना है, पता नहीं कैसे हुआ तिरछा, बट देखो नीचे से ना जाल उठा हुआ है अभी भी, तो यहाँ पे मुझे मसाला लगाना पड़ेगा अब, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं बट फिर भी लगा देंगे मसाला यार, लुक वाइज अच्छा लगे। तो फिलहाल तो भाई अपना काम ख़त्म हुआ, छोटा मोटा जो छुटमुट काम था वो ख़त्म हुआ, अब गेट बनाते हैं, ये वाला कल काट के रख रखा था, इसको चलो फटाफट से असेंबल करते हैं और तैयार करते हैं, क्योंकि मुश्किल है यार ये सब काम, ये फिर नीचे वाला काटेंगे फिर नीचे वाला बनाएंगे, पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं इसको बना के।
I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to put on the left side, put it up in your mind? फाइनली सुबह से मेहनत करते करते शाम हो गई है और अपना जो पूरा लॉफ्ट था वो रेडी हो चुका है। ये देखो मतलब गेटे वेटे सब रेडी है और ये इसको प्रॉपर मैंने सेट भी कर दिया, हिलता भी नहीं है, तो अपना पूरा सेट हो गया है। और पल्ला बस भाई थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसमें वेल्डिंग करानी है कब्जे, वो मैं कल कराऊंगा बाकी, ठीक है। और नीचे वाले में देखो ये कुछ हल्का छोटा सा गेट बनाया मैंने जिससे सिर्फ हाथ अंदर जा सके, अपना दाना वाना पानी वानी सिर्फ यहीं से डाला करेंगे, ठीक है। बड़ा वाला गेट बहुत कम ही खुला करेगा, कभी कभी नहीं तो खुला ही नहीं करेगा, बस सामान वामान सेटअप वेटअप कुछ लगाना हो तभी खुला करेगा गेट, नहीं तो नहीं खुलेगा। बाकी ये वाला गेट है अभी तो ऐसे ही लगा रखा है, देख लो बहुत प्यारा लग रहा है, अभी लग जाने के बाद और प्यारा लगेगा, ठीक है। बब्बर शेर के लिए जाल कब बनाओगे? बब्बर शेर के लिए अभी बनाएंगे, चिड़ियाघर खोलूंगा ना जिस दिन। तो चिड़ियाघर ही खोल लिया तुमने, जयगौर तो तीन चार फ्लोर पे लाए तुम, ले आए तुम लाएंगे अभी। ओए ये भी लगा नहीं, वो तो ऐसे दिखाने के लिए लगा रखा था। अच्छा वेल्डिंग कराया अभी? अब कब से वेल्डिंग कराने पड़ते हैं, चलिए इसके भी नहीं करा रखे होंगे। नहीं ये भी ऐसे है, टेंपरेरी तैयार हो गया बस। सही है बेटा, ये तो ऊपर वाला तो पूरा तैयार हो गया, ऊपर भी तैयार हो गया नीचे भी तैयार हो गया है, टिक रखा भैया। तो यहां कब्जे लग जाएंगे ना, सेट यहाँ से करेंगे, चिड़िया बाहर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अबे ये तो बेहतरीन सही है, क्या कह रहा हूँ मैं, क्या सिस्टम कर दिया, कबूतर ही पाल रख सकता है इसमें तो, लेकिन है तो कलाकार। अरे भाई आई एम प्राउड ऑफ यू मैन। बाकी फासनर तो लगे नहीं इसमें, ठीक है, जो फासनर लगा रहा था ना दीवार में छेद ही नहीं हुए, तो फिर मैंने यहाँ पे एंगल लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, जाल वहीं का वहीं टिका हुआ अभी तक, ठीक है, और सही भी है। बाकी गाइस बताना वीडियो कैसी लगी और अपना काम कैसा लगा, छोटी सी वीडियो थी आखिरी, ठीक है, और मैं वेल्डिंग वेल्डिंग तो खुद करा के ले आऊँगा,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि मज़ा आया होगा वीडियो में। अभी तो कबूतर खुले हुए हैं और शौक वॉक दिखा रहा है रंजन अपने कबूतरों का, ठीक है देख लो बढ़िया एकदम शौक है। और धूप भी बढ़िया निकली है, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ भाई। छोटा मोटा काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर मैंने इसको जाल को ही मैंने 3 बार उतारा है आज और 3 बार सेट किया है, और अकेला हूँ तो और ज़्यादा टाइम लगता है आपको पता है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है।